हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई फिलहाल अभी मैं रेडी हो गया हूँ और अभी मैं और आकाश भाई बाहर जा रहे हैं। लेकिन कहाँ पर भाई, वो रास्ते में बात कर लेते हैं। भाई अभी तो रेडी नहीं हुआ है। 5 मिनट। क्या 5 मिनट भाई, मैंने कब से बोला था भाई को कि तू फटाफट रेडी हो जा, हमको निकलना है। लेकिन अभी भी रेडी नहीं हुआ है भाई। 5 मिनट? 5 मिनट तूने 10-15 मिनट पहले बताई थी। अभी 5 मिनट में हो जाऊंगा। चल भाई फटाफट, अभी 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे भाई को रेडी होने में। और पापा क्या हाल चाल? बस बैठे खाली के आराम से। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून। भाई मेरी मॉर्निंग तो अभी अभी हुई है। और मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी अभी खाना कहाँ है? अभी मैंने मम्मी से खाना मांगा और मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं है। और किचन में आया और देखा तो सच में भाई कुछ नहीं है इधर। नहीं खाना तो है। क्या है मम्मी, इतना क्या है? भाई इतना खाना कौन खाता है? कौन ये खाता सब्जी है? है और इसके और अंदर रोटी है। रोटी है। हाँ सब्जी देखी ना भाई आपने कितनी कम थी। पर दोनों ने पहले तो मना किया था। मम्मी मम्मी बाबा ने मत बना अभी। कोई नहीं पापा, देखो आपकी बीवी क्या मुझे खिला रही है। इतनी सी सब्जी है बस। इतनी चाहिए एक इंसान को। तो भाई क्या खाएगा, मैं पूरी खा जाऊंगा। तो अधी खा लो दोनों। अभी मम्मी बोल रही है भाई ने मना किया था, मैंने मना किया था। और पता है आज छठ है ना, तो शाम को। हाँ मम्मी मम्मी मेरा फास्ट है, बस जा खुश हो। नहीं नहीं आज शाम को ठंडा बनाने का, खाना बनाने का है, कल ठंडा खाना है। वैसे भी मैं और आकाश भाई अभी थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी खाएंगे वो अभी सीधा रात को खाएंगे, क्योंकि भाई अभी तो हम बाहर जाने वाले हैं, कुछ काम है उसके लिए। भाई 4 बज गए और अभी भी भाई नीचे नहीं आया है। चलिए अभी ऊपर जाके देख लेते हैं कि भाई रेडी हुआ कि नहीं, और आपसे कुछ जरूरी बात भी कर लेते हैं। आज मैं वाव स्किन साइंस की द ओरिजिनल ऑनियन ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज यूज कर रहा हूँ। ये हेयर केयर हमारे नेचुरल एंसेंट विश्नम से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ ये वाव स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। इसमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का ब्लेंड है, लाइक रेड ऑनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल, आलमंड, कास्टर, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल। ये ओरिजिनल एंड मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल ऑनियन ऑयल से बना है। ये ऑयल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रीज हेयर और स्काल्प इश्यू को कम करने में हेल्प करता है। ये ऑयल आपके थिन एंड वीक हेयर को रिवाइव करता है। और वैसे ये एक वन स्टॉप हेयर फॉल सॉल्यूशन है। मैं इसको कम से कम 1 आवर रख के वॉश कर लूंगा। अब बारी है हेयर वॉश की। 1 आवर हो गया है एंड अब मैं हेयर वॉश कर लेता हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ ये रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। इस शैम्पू में ऑनियन की गुडनेस है जो हेल्प करता है वीक हेयर को रिवाइव करने में एंड रफ हेयर को मॉइस्चराइज करने में। एंड ये शैम्पू आपके हेयर को हेल्दी बनाकर हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इवन आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपके हेयर में शाइन रिस्टोर करता है। अब बारी है कंडीशनर की। सो आई एम यूजिंग वाव स्किन साइंस रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर। इसमें है रेड ऑनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन। ये कंडीशनर हेयर को स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में हेल्प करता है और हेयर को मॉइस्चराइज और नरिश रखता है। अभी आप मेरे हेयर देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। और इनके प्रोडक्ट्स में किसी तरह का हार्श केमिकल यूज नहीं होता है, लाइक नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन एंड नो आर्टिफिशियल कलर्स। और ये प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो VIVA20 टू गेट 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट। सो चूज नेचर नॉट केमिकल्स, बी वाव नेचुरली। रेडी? क्या बात है, लेकिन अभी 5 मिनट नहीं लगी तुझे भाई, आधा घंटा चला गया। अबे चल फटाफट भाई। और वैसे आज भाई सुबह से बारिश थी, अभी जाके बंद हुई है। अच्छा है कि भाई अभी बंद है। नहीं मम्मी भाई हर घर तिरंगा कितना सही लग रहा है, सबके घर में है। तो कैसा लग रहा है विश्व तेरे को? क्या कैसा लग रहा है? इतनी लग्जरियस कार में बैठकर। अबे भाई लेकिन अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं वो तो बता। हम जा रहे हैं शूज लेने के लिए। हाँ लेकिन किसके है भाई? हमारे नहीं, इस गाड़ी के। आप सोचोगे कि इतनी जल्दी टायर खत्म भी हो गए? नहीं भाई, टायर तो भी वैसे के वैसे ही है, लेकिन हमको कुछ ऐसी जगह जाना है, ऐसी मतलब जहाँ पर ये टायर नहीं चलते। मतलब वैसे तो चल सकते हैं लेकिन बार बार पंचर होने का या फिर टायर को कटवट लगने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जगह पर जाना है, और किसको जाना है पता है? विश्व को नहीं लेने वाला, सिर्फ मैं और रिद्धि जाने वाले हैं। और तूने सबको बताया कि नहीं रिद्धि क्यों नहीं दिख रही आज के व्लॉग में? अभी वो उसके पापा के घर गई है मुंबई, इसलिए रिद्धि नहीं दिख रही। वैसे रिद्धि आएगी ये महीने के एंड तक या फिर अगले महीने की शुरुआत। इस बार तो शायद बहुत लंबी रोड ट्रिप होने वाली है भाई और भाभी की।
तो अभी वही प्लान चल रहा है, तो उसी के लिए भी टायर आज देखने जा रहे कि कितने कितने के मिलते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। वैसे तो ऑनलाइन सब चेक किया हुआ है, लेकिन एक होता है ना फिजिकली जब देखते हैं टायर को चेक करते हैं ऐसे टच करके कि भाई कितना सही है कितना नहीं, क्योंकि बहुत सारे टायर्स में मतलब बहुत सारी वैरायटीज है और प्राइस डिफरेंस भी बहुत सारा है। एक टायर समझो कुछ 12-13 हजार या 15 हजार। अबे सबसे सस्ता कितना है? सबसे सस्ता तो भाई 14,000 का है। 14,000 से लेकर 22,500 तक का एक टायर है। मेरे को चाहिए 5। और तुझे 5 चाहिए और वो भी कौन सा वाला, सबसे महंगा वाला? सब कुछ सेट हुआ तो भाई टायर एक दो दिन में डलवा देंगे और वो सब आपको देखने को मिलेगा बाइक की चैनल पर, यानी कि विवाह ब्रदर्स पर। और वो टायर्स मेरे एक्सक्लूसिव रहने वाले हैं सिर्फ रोड ट्रिप के लिए। जब भी कभी मैं ऐसी मतलब खतरनाक सड़कों वाली रोड ट्रिप पर जाऊंगा तब वो टायर डाल दूंगा, बाकी फिर वापस आके ये जो अभी डाले हैं टायर ऑलरेडी है वही टायर रहेंगे अंदर। भाई तू वापस से जाएगा कि नहीं क्या पता, मैं नहीं जाऊंगा तो वो टायर। एक साल के बाद ये तू कार तेरी ऐसी ऑफ रोडिंग वाली जगह पर तू लेके जा रहा है, नहीं तो भाई इतने टाइम तक तो भाई तू बस ऐसे ही रोड पे घुमा रहा था। ये कार तो है देखो 4x4 है, तो इसका भाई यूज तो ऐसे रोड पे हम नहीं कर सकते, ऊबड़ खाबड़ रोड पे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि 4x4 गाड़ी रोड पे नहीं यूज, तो मतलब तू क्या बोल रहा है मैं इधर सड़क पर नहीं इधर साइड साइड पर चला हूं ऐसा? अबे ऐसा नहीं, लेकिन 4x4 गाड़ी है तो भाई ऐसा कोई दिन ऐसा ऑफ रोडिंग पे लेके जाने का होता है, लेकिन तू तो लेके ही नहीं जाता है। एक बार गया था ना गलती से ऑफ रोडिंग करने के लिए, फिर भाई वो छोटे बच्चों वाली ऑफ रोडिंग थी, छोटे बच्चों वाली नहीं थी खतरनाक वाली थी, लेकिन ऐसे दिल पे पत्थर लगा फिर मेरे को भाई। मैं जिंदगी में मेरी इतनी अच्छी कार को मैं ऐसे खड्डों वड्डों में फालतू में क्यों डालने का? अभी कहीं पर जाते हो रास्ते ऐसे हो तो समझ में आता है चलो कोई और कोई ऑप्शन नहीं है कि उधर से जाना ही है भाई, जबरदस्ती कोई फालतू में आज ऑफ रोडिंग करते ऐसा करके गाड़ी को खड्डे में डालने का भाई मेरे पास इतना बड़ा जिगरा नहीं है भाई। अभी आकाश भाई को ये अपनी कार इतनी पसंद है ना, और अभी इतने लाड प्यार से भाई अभी ये कार चलाता है ना, लेकिन जब भाई रोड ट्रिप पे जाएगा ना तब पता चलेगा। एक भाई थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे दिल पे ऐसा वो ऐसा घाव लगेगा कि यार यहाँ से गई वहां से गई, लेकिन चलाने में ही वाला हूँ ना तो मैं आराम आराम से चलाऊंगा। अबे तू आराम से चलेगा तो भी तेरी ये पूरी कार है ना वो पूरी कबाड़ हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये बहुत अच्छी कार भाई है। मस्ती कर रहे हैं, लेकिन देखो अभी आकाश भाई निकलने वाले हैं रोड ट्रिप पे, तो सबसे जरूरी है कि भाई टायर चेंज करना, क्योंकि भाई और भाई अकेला जाने वाले हैं, तो इसीलिए भाई सेफ्टी के लिए। हाँ, क्योंकि अगर फिर वो ये टायर हाईवे टायर वाला है जो अभी डाला हुआ मतलब ऑलरेडी जो कंपनी ने दिया है, अगर वो रहा और बार बार पंचर हुआ तो मेरे को भाई ऐसे मतलब मेरे को टायर पूरे ब्लॉग में चेंज करते हुए देखोगे, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग भी बनाने वाले हम, तो ब्लॉग में फिर यही दिखेगा इधर पंचर पड़ा आकाश भी टायर चेंज कर, इधर पंचर पड़ा ये टायर चेंज कर रहा भाई, डे 1 टायर पंचर, डे 2 टायर पंचर, डे 3 टायर कट, मतलब यही सब चलता रहेगा। उससे अच्छा है भाई ऐसे टायर डाल दे कि कोई झंझट ना हो। हाँ भाई, अगर ग्रुप में जाते हैं ना तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भाई भाई और भाभी अकेले जा रहे हैं, बातें बहुत हो गई, जाते हैं अभी टायर की शॉप पे और देखते हैं अभी क्या बेस्ट डील मिलती है हमको टायर में, और डिस्काउंट का भी ट्राई करेंगे। भाई ट्राई नहीं, डिस्काउंट तो चाहिए ही हमको। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा 22,500 का कोई टायर थोड़ी होता है, ये क्या दुकान बन गया। और ये पहुंच गए टायर की शॉप पे, भाई टायर तो ये रहते कितने बड़े है, पैसे बहुत लगने वाले है, 12,500। हाँ भाई उतना एस्टिमेट दिया, और अभी डिस्काउंट का तो आप छोड़ ही दो, ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड प्राइस है भाई। अभी यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा प्राइस हो रही थी, हमारे पास एक और भी ऑप्शन है उसकी प्राइस थोड़ी कम है। थोड़ी क्या, इसकी और उसकी प्राइस में ऑलमोस्ट 8,000 या 7,000। हाँ 7-8 हजार का भाई फर्क है एक टायर में। लेकिन भाई ये जो टायर था ना 22,000 वाला वो भाई बहुत देगा, लेकिन भाई वो टायर बहुत मस्त है भाई। बीएफ गुडरिच तो बीएफ गुडरिच है ना, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। लेकिन फिर भी अगर अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम 10 अलग अलग ऑप्शन देख सकते हैं, 10 अलग अलग टायर्स देख सकते हैं, फिर डलवाने के बाद क्या देख कर करेंगे। 1,00,000 से ज्यादा प्राइस हो रही है सिर्फ टायर टायर्स की, तो भाई वो कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो भाई उसी के लिए अभी हम इतना भाई हम घूम रहे हैं, तो अभी हम अपोलो के टायर्स देखने जा रहे हैं, देखते हैं भाई अभी क्या होगा, क्योंकि डील आया है तो हमारा वो महंगे वाले टायर भी ऑल टेरेन टायर जरूरी है वो जगह पर, इसीलिए डाल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या रोड ट्रिप प्लान की तो भी टायर का खर्चा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, जगह भी वैसी है ना भाई, वो टेरेन ऐसा है कि भाई वहाँ पर ये जो नॉर्मल वाले जो टायर आते हैं वो नहीं चल सकते भाई इजीली। अभी ये मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, और भाभी इधर है ही नहीं तेरे पास भाई देखो अभी बारिश बहुत मस्त हो रही है भाई, आई होप कि हमारा यहाँ पर काम बन जाए भाई। यहाँ पर तो हमारा काम नहीं हुआ, काम
जो टायर लेने के लिए हम आए थे ना, ये देखने के लिए आए थे, वो था ही नहीं। हमारा काम क्या, इनका काम नहीं हुआ, इनका स्टॉक ही नहीं है। हाँ, और स्टॉक कब आएगा वो भी उनको भी नहीं पता है। ये ऑल टेरेन टायर्स का है ना बड़ा चक्कर रहता है, क्योंकि सब लोग ये टायर्स डलवाते नहीं है। ये टायर की जरूरत वैसे भी सबको होती भी नहीं है। तो भाई अभी क्या करना है, वही डलवा दे BF गुडरिच महंगा वाला 22,500 वाला, 22,500 का ही टायर। तो अभी हम आए हैं भाई डीकैथलॉन मॉल। बारिश, हाँ अभी बारिश देखो भाई फिर से चालू हो गई फुल। यहाँ पर हमको फोल्डिंग चेयर लेनी है, तो आई होप कि भाई मिल जाए। ये भी है देख, लेकिन ये सेकंड भी लेनी है। चड्डी भी साथ फ्री है? अबे नहीं है चड्डी, दो चड्डी फ्री है इसके। भाई ये तेरी साइज के लिए परफेक्ट है, लेकिन ये कितना वेट झेल सकती है वो पूछना है। यही चेयर हमने फाइनल की, इसकी कैपेसिटी भी 150 kg है और ये सबकी 110 है। दो ही लेनी है भाई बस। तो क्या बाहर का सेट लेना है? ये स्पेशली भाई आप कैरी कर सको उसके लिए ये चेयर है, तो सिर्फ हम दो ही ले रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे तो ये काम में कुछ नहीं आएगी। भाई और भाभी जा रहे हैं तो भाई उनको ही काम में आएगी ये चेयर। भाई आज क्या लेने के लिए हम निकले थे, वैसे तो देखने के लिए ही निकले थे हम टायर, और ये देखो भाई क्या लेके जा रहे हैं। भी हम पानी पूरी खाने के लिए आए हैं भाई, घूम फिर के थके कितने टाइम के बाद, मैं तो शायद 1.5-2 महीने के बाद खाऊंगा। भी आज पानी पूरी खाने का बहुत दिन था, तो अभी फाइनली भाई पानी पूरी खा के जाएंगे घर। बारिश का मौसम है और ये देखो कितना बड़ा टीवी लेके जा रहा है भाई, वो भी खुलेआम ऐसे, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ पॉलिथीन लगाया है, देख तो सही। भाई इसको बोलते हैं जिगरा या फिर बिगड़ा हुआ पीस है। नहीं नहीं भाई लग तो ना है, लेकिन भाई फिर भी भाई ऐसे मौसम में वो बिगड़ा हुआ, उसके पैनल गई होगी सब कुछ, मतलब स्क्रैप का माल होगा। घर पहुंच गए और भाई का अभी भी मन नहीं भरा, तो भाई ने एक प्लान बना दिया कि अभी हम चारों जा रहे हैं बाहर, पापा के थोड़े टी शर्ट लेने और मेरे पास तो कपड़े मतलब मेरे है वैसे तो, लेकिन हाँ तुझे भी थोड़ा लेना है। क्या बात है, पापा भी अभी फुल रेडी है और मम्मी है कि नहीं, मम्मी रेडी है? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अभी फटाफट निकलते हैं भाई, आज तो पूरा दिन बाहर ही जाएगा ऐसा ही लग रहा है। भाई अभी हम मॉल आए हैं और अभी भाई पापा की शॉपिंग कर रहा है, टी शर्ट चेंज कर रहे हैं पापा, इतना टाइम लगा था। शॉपिंग हो गई पापा की और थोड़ी बहुत मेरी, भाई ने कुछ नहीं लिया। नहीं कुछ नहीं लिया, और तेरे को पता है मर्सिडीज की बैग फ्री आई है आपको तो। भाई लेकिन ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट वो नहीं पता है। अरे बल्गेरी के परफ्यूम के साथ ओरिजिनल ही आएगी भाई, परफ्यूम के साथ बैग भी फ्री मर्सिडीज की। लोगों की इधर गया भाई, हाँ ये रहा। ऐसे अभी 9:30 बज रहे, तो अभी मॉल के अंदर भी सारे स्टोर अभी धीरे धीरे बंद हो गए है, तो अभी भाई क्या प्लान है, अभी बाहर खाने जाना है भाई, अभी सीधा घर ही जाएंगे। भाई पहुँच गए घर, आज तो थक गया हमें, तो चलिए अभी आज का ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।